सबसे पहले मुख्यमंत्री बजेलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री दोपहर 12:10 पर पहुंचेंगे कैला देवी झील का वाड़ा। दोपहर 12:20 से दोपहर 1 बजे तक कैला देवी मंदिर में करेंगे दर्शन। दोपहर 1:30 बजे भरतपुर सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम बजेलाल शर्मा। तो वहीं सर्किट हाउस से RBM अस्पताल भरतपुर के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 4:45 तक नवीन RBM अस्पताल भवन निर्माण एवं विभिन्न कार्यों का निरीक्षण मुख्यमंत्री करने वाले हैं। किशोरी महल लोहागढ़ किले के विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। नई मंडी कुम्हेर गेट से हीरादास तक प्रस्तावित फ्लाईओवर एवं विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। काली की बगीची से शास्त्री पार्क तक प्रस्तावित फ्लाईओवर एवं विकास कार्यों का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री करने वाले हैं। एक्वेरियम और बायोलॉजिकल पार्क केवला देव के विकास कार्य, शास्त्री पार्क के विकास कार्य, नवीन बस स्टैंड एवं अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक लेंगे कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग भी। सीएम बजेलाल शर्मा आज भरतपुर सर्किट हाउस में ही रात्रि विश्राम करेंगे और कल प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक सर्किट हाउस भरतपुर में जनसुनवाई करेंगे। प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। तो वहीं कलेक्ट्रेट सभागार भरतपुर में लेंगे संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक। तो ये 2 दिवसीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आज का और कल का। दोपहर 12:10 पर कैला देवी झील का वाड़ा मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे क्योंकि नवमी भी है आज। घर घर कन्या पूजन हो रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र, अपने गृह क्षेत्र भरतपुर आज जाने वाले हैं और कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री को शामिल होना है। लेकिन शुरुआत मां के आशीर्वाद के साथ कैला देवी मंदिर में दर्शन करेंगे। मां कैला देवी में जन जन की आस्था, दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं मां के दर्शन करने के लिए। लेकिन नवरात्र के खास अवसर पर, नवरात्र के खास मौके पर मां के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री बजेलाल शर्मा भी आज मां कैला देवी मंदिर में दर्शन करने वाले हैं और उसके बाद सर्किट हाउस मुख्यमंत्री पहुंचेंगे दर्शन पूजन करने के बाद। और सर्किट हाउस पहुंचने के बाद RBM अस्पताल भरतपुर के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे और उसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 4:45 तक नवीन RBM अस्पताल भवन निर्माण एवं विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। जो नया RBM अस्पताल भवन निर्माण चल रहा है और साथ ही साथ विभिन्न जो विकास कार्य हैं उनको भी मुख्यमंत्री देखेंगे। इसके साथ ही साथ किशोरी महल लोहागढ़ किले के विभिन्न विकास कार्य जो हैं उनको भी मुख्यमंत्री देखने वाले हैं। नई मंडी कुम्हेर गेट से हीरादास तक प्रस्तावित जो फ्लाईओवर हैं और विकास कार्य हैं उनका भी निरीक्षण किया जाएगा। काली की बगीची से शास्त्री पार्क तक प्रस्तावित फ्लाईओवर एवं विकास कार्यों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री करेंगे। और भरतपुर से रवि कटारा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, मुख्यमंत्री आ रहे हैं भरतपुर, पहले माँ कैला देवी के दर्शन, उसके बाद सर्किट हाउस जाएंगे। कितने बजे करीब वहां पर पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि यहां तो वक्त बताया जा रहा है कि 12 बजने के बाद मुख्यमंत्री का आगमन भरतपुर में हो जाएगा, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जो मुख्यमंत्री बजेलाल शर्मा है वो 2 दिवसीय भरतपुर दौरे पर आ रहे हैं और जो उनका जो कार्यक्रम आया है, सरकारी कार्यक्रम जो मिनट टू मिनट, उसमें बताया गया है कि 11:30 बजे वो जो है जयपुर से एयरपोर्ट से निकलेंगे और करीब 12:10 पर जो कैला देवी जो झील के वाड़ा में हेलीपैड बनाया गया है वहां पहुंचेंगे और जो मुख्यमंत्री की कुलदेवी है कि झील के वाड़ा में कैला देवी, वहां पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद सीधा जो मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो भरतपुर के जो हेलीपैड बनाया गया है MHA कॉलेज ग्राउंड में वहाँ लैंड करेगा और 1:30 बजे के करीब सर्किट हाउस में वहाँ रखा गया है मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री के सर्किट हाउस में रुकेंगे जिसके बाद पहली बार जब मुख्यमंत्री जो है शहर का भ्रमण करेंगे, जो विकास के जो कार्य है उनका निरीक्षण करेंगे और बताया गया है कि अन्य जो अधिकारी हैं उनके साथ भी मौजूद रहेंगे क्योंकि भरतपुर जिले में कई सौगात उन्होंने बजट घोषणा में दी थी तो उसको लेकर नवीन RBM अस्पताल की भवन निर्माण की विभिन्न कार्यों का निरीक्षण की बात की जाए या किशोरी महल में जो लोहागढ़ किला है उसके विभिन्न कार्य हो रहे हैं उसको देखा जाएगा। वही कुम्हेर गेट से नई मंडी तक और हीरादास तक जो फ्लाईओवर जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में करवाई थी, उनका निरीक्षण करने का कार्यक्रम है। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है केवला देव के विकास कार्य का निरीक्षण करेंगे, शास्त्री पार्क जाने का भी कार्यक्रम है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो
रोडवेज का बस स्टैंड है, केंद्रीय बस स्टैंड बनाया गया है एक बड़ा, उसका भी निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे। करीब 5 बजे करीब मुख्यमंत्री जो है जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक बड़ी मीटिंग जो है अधिकारियों की लेंगे, और जो विकास के कार्यों को लेकर जो है मुख्यमंत्री जिला के जो अधिकारी हैं और संभाग के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे। रवि एक बात ये बेहद अहम है कि मुख्यमंत्री पहले मंदिर में दर्शन करने वाले हैं, उसके बाद हालांकि विभिन्न जो विकास कार्य हैं उनका निरीक्षण भी करेंगे और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक भी है। बहुत शुक्रिया।